नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। जयदीप जी, डिजिटल इंडिया देश और देशवासियों के लिए कितना फायदेमंद होगा? मोदी सरकार ने अपने आने के बाद से ही कई सारे बड़े अभियानों का बीड़ा उठाया है, जैसे मेक इन इंडिया है, उसी तरह डिजिटल इंडिया भी है। और हाल ही में डिजिटल इंडिया की बहुत भव्य पैमाने पर शुरुआत भी की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे पूरे भारत को एक डिजिटल भारत में बदलने की कोशिश इस सरकार द्वारा की जा रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना तो है, लेकिन इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है। एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल इंडिया के रूप में औपचारिक शुरुआत की गई है, तमाम प्रयासों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुस्तान अपने कदम डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत पहले बढ़ा चुका है और किसी के किए बगैर बढ़ा चुका है। जिस तरीके से मोबाइल क्रांति हिंदुस्तान में हुई है, जिस तरीके से स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स का चलन हिंदुस्तान में बढ़ा है, उस हिसाब से आप देखिए तो जब हम IRCTC की साइट पर रेलवे टिकट बुक करने जाते हैं या दूसरी अन्य वेबसाइट पर जाकर हवाई जहाज का टिकट बुक कराते हैं या अपने बिजली और टेलीफोन के बिल आजकल हम जाकर वेबसाइट पर बुक कराते हैं, हम अपने संपत्ति कर और जल कर भी तमाम नगर निगमों के लिए आजकल वेबसाइट पर जाकर जमा कर सकते हैं, ये सब डिजिटल इंडिया नहीं है तो क्या है? तो इस डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है हिंदुस्तान में बहुत पहले से हो चुकी है। सवाल यह है कि इस डिजिटल इंडिया के नारे के माध्यम से हम नया क्या हासिल कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया को प्राप्त करने की दिशा में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो रोड़े हमारे सामने खड़े हैं, उनसे हम पार जाकर इस नारे को सच कैसे बना पाएंगे, ये चुनौती है। डिजिटल इंडिया की चुनौतियों की अगर बात हम करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, गाँव में बिजली का ना होना, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये डिजिटल इंडिया के सामने एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। आपने ठीक कहा कि गाँव में बिजली, गाँव में क्या, बहुत सारे शहरी इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी 2-4 घंटे की बिजली कटौती होना सामान्य बात है। तो जब आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप चार्ज ही नहीं हो पाएंगे तो आप उस पर ना तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का फायदा उठा सकते हैं, ना डिजिटल इंडिया की तरफ किसी भी तरीके से अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग कनेक्टेड भी हैं, जिनके पास बिजली है भी, जिनके पास स्मार्टफोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप है उपलब्ध, उनका अनुभव क्या है? एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास यह है कि जो डेटा कनेक्टिविटी हिंदुस्तान में बहुत खराब है। 2G ने जिस तरीके का डेटा का अनुभव हमें दिया था वो बहुत अच्छा नहीं था। 3G के नाम पर पैसे बहुत सारे लिए गए, 1,000-1,200 से लेकर 2,000 रुपये महीने तक के डेटा प्लान दिए गए 3G के नाम पर, लेकिन 3G के नाम पर जो लोगों का अनुभव है वो बहुत खराब है। वीडियो ढंग से डाउनलोड नहीं होते, वीडियो में बफरिंग अक्सर होती रहती है। आप एक शहर में 3G का अनुभव ठीक से पाते हैं लेकिन दूसरे शहर में नहीं पाते। उसी शहर में आप एक रास्ते में लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक लगातार एक साथ बात नहीं कर सकते, टेलीफोन कनेक्शन कट जाता है, कॉल आपकी ड्रॉप हो जाती है। तो इन चुनौतियों का सामना मुझे लगता है सबसे बड़ी बाधा रहेगी डिजिटल इंडिया तक पहुंचने में। यदि एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोग ATM नहीं चला पाते, ऐसे में स्मार्टफोन कैसे चला पाएंगे वो? देखिए, आपने उदाहरण तो ठीक दिया है कि बहुत सारे बार हम ये देखने में आता है कि लोग ATM मशीन में जाकर अपने खुद के पैसे भी ठीक से नहीं निकाल पाते, किसी की मदद या सलाह लेते हैं और सलाहकार जो है ईमानदार हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसके परिणाम भी भुगतना पड़ते हैं और ATM से आपका पैसा कोई और ही निकाल के चला जाता है। डिजिटल इंडिया में जहां तक बात है, असल में ये जो पूरा डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा ये एक दिन में या एक साल में नहीं होने वाला, ये आने वाले कुछ सालों में और एक पूरे, मुझे लगता है कि दशक की तब्दीली लगेगी डिजिटल इंडिया तक सही मायने में पहुंचने में, लेकिन इसके लिए अगले 4-5 साल बहुत अहम है। और इन 4-5 सालों में जो नई पीढ़ी है वो इस डिजिटल इंडिया को बहुत तेजी से आगे ले जाएगी। पुरानी पीढ़ी के भी जो लोग हैं उनको अगर ईमेल करना है, उनको अपना कोई बिल भरना है, तो उन्होंने उतना जरूर सीख लिया है कि वो डिजिटली कैसे करें। इसके अलावा जो बड़ी एक चुनौती है वो कीमत की भी है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल इंडिया से जुड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान में जब मोबाइल क्रांति हुई तो उसके साथ ही साथ डिजिटल क्रांति क्यों नहीं हुई? उसका कारण यह था कि मोबाइल फोन जो थे उनकी कीमत जब शुरुआत में आए थे तो 40,000 रुपए थी। एक टेलीफोन अगर आपको लगाना हो तो टेलीफोन लगाने की कीमत 16 रुपए थी और टेलीफोन कॉल सुनने की मोबाइल पर जो कीमत थी वो 8 रुपए थी। वहां से हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां पर आपको SMS फ्री है, 1,000 रुपए में हैंडसेट आपको मिल जाता है, एक छोटा सा साधारण सा हैंडसेट, और उसके ऊपर आप सामान्य जो जरूरत की चीजें हैं मोबाइल फोन की वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल क्रांति हुई थी वो इसलिए नहीं हो पाई थी कि आप इंटरनेट से जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप के बिना नहीं जुड़ सकते थे। इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी बहुत महंगी थी, डेस्कटॉप लैपटॉप सब 50,000-60,000 रुपए से ज्यादा की कीमत के थे। तो एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वर्ग जो था वो डिजिटल क्रांति से लंबे समय तक अछूता रहा। ये सारे लोग अचानक डिजिटल इंडिया से क्यों जुड़ पाए? स्मार्टफोन्स की वजह से। एक 4-5 हज़ार रुपए का आप स्मार्टफोन ले लीजिए, उस पर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन भी है, डेटा प्लान भी है। फेसबुक और ट्विटर ने भी बड़ी भूमिका ये सोशल मीडिया की साइट्स ने निभाई है हिंदुस्तान को डिजिटल से जोड़ने में, लेकिन
कीमत हिंदुस्तान में एक बड़ी भूमिका निभाती है। डिजिटल इंडिया तक पहुंचने के लिए भी मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती कीमत की भी रहेगी। और आपने जो जागरूकता की बात कही कि जो लोग एटीएम मशीन नहीं चलाते, लेकिन अगर जागरूकता आएगी उनको समझाया जाएगा, और एक आवश्यकता जो है मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज होती है, आवश्यकता को आविष्कार की जननी भी कहा जाता है। और अगर लोगों की आवश्यकता है कि अपने सारे काम डिजिटल माध्यम से करें, कागजों की आवश्यकता खत्म होती जा रही है, दस्तावेज जो है, कहा जा रहा है कि आपके डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, प्रिस्क्रिप्शन है, वो भी डिजिटली आपके पास रहेगा, आपके तमाम जो डिजिटल लॉकर सरकार बनाने की बात कर रही है, तो आपके जो इनकम टैक्स से लेके, जमीन से लेके, रजिस्ट्री से लेके, तमाम अन्य जो बैंक के खातों के दस्तावेज हैं, वो सारे भी एक डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। और आपको जब जहां जरूरत होगी, अब सुरक्षा उसमें एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लोग आजकल डेटा हैक कर लेते हैं, आपकी गोपनीय सूचनाएं जो है वो जब भी डिजिटल जगत में होती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई और उसे देख नहीं लेगा, आपकी निजी तस्वीरें जो है वो हैक हो जाती हैं, ऐसे तमाम किस्से सामने आए हैं, मोबाइल के जरिए बैंकों के पूरे डेटाबेस हैक कर लिए गए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भी डिजिटल चूंकि आपकी जिंदगी आसान बनाता है, आपकी जरूरत है कि आप बैंकों में बड़ी लाइन लगाने के बजाय घर बैठे अपने पैसों का हस्तांतरण कर लें, तो आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन खतरों से गुजरते हुए कैसे बेहतर सुरक्षा के साथ हम डिजिटल इंडिया की ओर पहुंचेंगे, निश्चित ही ये देखना होगा। लेकिन हिंदुस्तान चूंकि बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है, कहीं भी कतारें लगती हैं तो आपको परेशानी होती है, आपका समय ज़्यादा लगता है। जब हम रिजर्वेशन की लाइन में, रेलवे रिजर्वेशन की लाइन में घंटों खड़े रहते थे तब जाकर हमें टिकट मिलता था, अब हम केवल वेबसाइट पर जाकर टिकट हासिल कर सकते हैं, तो वो काम आसान हुआ है। वहाँ पर भी मारामारी है, लेकिन कम से कम आपको धूप में जाकर रिजर्वेशन की लाइन में खड़े रहने की जो मशक्कत थी उससे बचने का मौका डिजिटल इंडिया की वजह से मिला है। आगे जाकर ये कैसे और व्यवस्थित हो पाता है ये जरूर देखना होगा। चलिए, डिजिटल इंडिया के फायदे हैं तो चुनौतियां भी कम नहीं है, ऐसे में इसका भारत में भविष्य कैसा देखते हैं? भविष्य तो निश्चित तौर पर उज्जवल है। डिजिटल इंडिया एक सच्चाई है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा है कि सरकार के औपचारिक प्रयत्नों के पहले भी और बावजूद भी डिजिटल इंडिया तेज गति से अपने कदम हिंदुस्तान में बढ़ा चुका है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग इस डिजिटल क्रांति से जुड़ चुका है। दिक्कतें जो थी, मैंने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं थी, कनेक्शन महंगा है, स्मार्टफोन का विस्तार उतनी तेजी से केवल पिछले 1.5-2 सालों में हुआ, उसके पहले नहीं हुआ है। 20 करोड़ जो सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ता हैं वो बहुत ज्यादा, जो उनमें से बड़ा वर्ग है वो अंग्रेजी भाषा को जानने वाला वर्ग है। अब जाकर असली हिंदुस्तान जो गांव देहातों का हिंदुस्तान है, जो कस्बों और देहातों का हिंदुस्तान है, वो इस डिजिटल क्रांति से जुड़ पाएगा, क्योंकि अगर आप उसको सहज और सस्ते दामों पर इस सुविधा को उपलब्ध कराएंगे तो ही ये संभव होगा। लेकिन वो जब जुड़ेगा तो सही मायने में वो डिजिटल क्रांति होगी। माना यह जा रहा है कि 2017 तक ये जो 20 करोड़ उपभोक्ता हैं इंटरनेट के, वो 50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, तो बचे हुए जो 30 करोड़ उपभोक्ता इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं को जानने वाले, भारतीय भाषाओं से और उसकी आत्मा से जुड़े हुए लोग होंगे, वो डिजिटल इंडिया के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आएंगे। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि पिछले 6 महीनों में इंटरनेट से जुड़ने वाले नए ग्राहक 100% मोबाइल फोन के जरिए आए हैं, मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप से इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या अब थम सी गई है और मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट से जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह इस बात का द्योतक है कि चूंकि मोबाइल फोन की संख्या हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रही है, उसके जरिए इंटरनेट से जुड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इंटरनेट और मोबाइल फोन के जरिए डिजिटल इंडिया से जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी निश्चित ही बहुत बड़ी होगी, और वो ही लोग होंगे जो डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करेंगे। चुनौतियां कनेक्टिविटी की, चुनौतियां सस्ते दामों की, चुनौतियां सुरक्षा की, डेटा की, लोगों की जानकारी की सुरक्षा की, और चुनौतियां जो बिजली की अनुपलब्धता है उसकी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी मुझे लगता है कि हम, हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन डिजिटल इंडिया के सपने तक अवश्य पहुंच पाएंगे। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे डिजिटल इंडिया की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।